हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉब्लम देखेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन की हैकर रैंक पे। और ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्मिथ नंबर्स। तो आइए इसको रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट को। अ स्मिथ नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, द सम ऑफ हूज डिजिट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सक्लूडिंग वन। द फर्स्ट फ्यू सच नंबर्स आर 4, 22, 27, 58, 85, 94, 121। सो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कोई एक नंबर है, आपको पता करना है कि वो स्मिथ नंबर है कि नहीं। तो स्मिथ नंबर वो नंबर होगा जिसके डिजिट्स का सम जो है, या सम ऑफ द डिजिट्स विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर 378 है, तो 378 के लिए ऐसा कहा गया है कि 3 + 7 + 8 इज इक्वल्स टू 18, और इसका जो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया सो दैट इज इक्वल्स टू 2, 3, 3, 3 एंड 7। तो ये जो इन सब का जब आप जब सम करेंगे तो ये भी 18 आ जाएगा। जो कि दोनों इक्वल हैं इसलिए हम कहेंगे कि ये स्मिथ नंबर्स हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4, 9, 3, 7, 7, 7, 5 गिवन है। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3, 5, 5 एंड देन 6, 5, 8, 3, 7 एक बड़ा प्राइम नंबर है। फिर आप जब 6, 5, 8, 3, 7 के डिजिट्स का जब सम करेंगे सो ये हो जाएगा 6 + 5 + 8 + 3 + 7। तो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद डिजिट्स मिले 3, 5, 5 जो कि पहले तीन प्राइम नंबर्स हैं, और बाद के जो प्राइम नंबर्स हैं वो 6, 5, 8, 3 और 7 है। इनके डिजिट्स का जब आपने सम किया तो 42 आया, और जो ओरिजिनल नंबर था मतलब 4, 9, 3, 7, 7, 5 जो आपने इसके डिजिट्स का सम किया तो वो भी 42 था। जब आपने दोनों को इक्वल किया तो यहाँ पे 42 आ गया। अगर हमें ऐसा फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के लिए हम सीव ऑफ इरोथिनेस के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, और सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने ही लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप आपने उसको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर देखिए जिसपे कि हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ 378 के लिए, और आप अगर 378 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2 मेरा प्राइम फैक्टर होगा। इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है दैट विल बी इक्वल्स टू 1, 8 एंड 9, और चूंकि ये फर्दर 2 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब कि 2 उसका प्राइम फैक्टर फर्दर नहीं हो सकता। फिर आप 189 को जब 3 से डिवाइड करेंगे सो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 इसका प्राइम फैक्टर है। तो 63 हम ऑप्टेन करेंगे 3 से डिवाइड करके। फिर 63 को जब आप 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 3 अगेन इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। देन 21 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा और 3 विल अगेन बी दी प्राइम फैक्टर। जब तक ये 3 से डिवाइड हो रहा है तब तक हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास 7 बच गया, और जो 7 बचा है वो 7 हमारा प्राइम नंबर होगा, इसलिए प्राइम फैक्टर ये होगा। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स मिल गए वो 2, 3, 3, 3 एंड 7 मुझे प्राइम फैक्टर्स मिले। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे तो प्राइम फैक्टर फाइंड करते समय हमने ये देखा था कि जो नंबर है उसको हम रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक ये 2 से डिवाइड हो, और उसके बाद फिर इन सभी को हम प्राइम फैक्टर्स में ऐड कर लेते थे। फिर जो मेरा नंबर बचता था, फॉर एग्जांपल इसी केस में जो हमने 378 लिया और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो मेरा जो नंबर आया वो 189 आया। 189 फर्दर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो अब हमने इसको डिफरेंट तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। इस तरह से प्राइम फैक्टर इसके निकाले कि अब 3 एंड देन 5 देन 7 इस तरह के नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 के सारे मल्टीपल्स हमने पिक कर लिए 2 से डिवाइड करके। तो अब जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं वो केवल ऑड नंबर्स ही हो सकते हैं। तो हमने 3 से स्टार्ट किया इसको डिवाइड करना, और लेकिन ये इंश्योर कर लिया कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट पर यूज कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें तब तक करना है जब तक कि आई स्क्वायर इज लेस देन एन या आई इज लेस देन अंडर रूट एन, और एन को हम लगातार रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने 189 को जब डिवाइड किया 3 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो
तो चूंकि ये डिवाइड हो जा रहा है तो हमने इसको डिवाइड करके 63 ऑब्टेन कर लिया। एंड देन उसके बाद जिस नंबर 3 से जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, सो 3² इज लेस देन 63, तो हम इसको 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो गया। फिर 3² इज लेस देन 21, तो इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे और ऐसा कर देंगे। और अब इस केस में 3² इज नॉट लेस देन 7, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे और ये 3 से डिवाइड हो भी नहीं रहा है। तो अब हमारे पास नंबर 7 बच गया, और फाइनली चूंकि 7 ग्रेटर देन 2 है तो इसलिए हम इसको 7 को प्राइम फैक्टर मानते हुए 7 को भी प्राइम फैक्टर्स में इंक्लूड कर देंगे। तो सी वो फिरोथिनेस के कॉन्सेप्ट से हमें ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जितने भी प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे उसमें कुछ नंबर्स सिंगल डिजिट के भी हो सकते हैं और मल्टीपल डिजिट के भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी को किसी एरे में स्टोर कर लेते हैं, एंड देन वन बाय वन उसको सम ऑफ डिजिट्स नाम के फंक्शन में पास करते रहेंगे और उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को सम करके वहां से ऑप्टेन करते रहेंगे। एंड देन उसको हम लगातार सम करते रहेंगे। फाइनली जब हम सारे प्राइम फैक्टर्स का सम कर लेंगे तो सारे प्राइम फैक्टर के डिजिट्स का जब हम सम कर लेंगे तो इसको हम इक्वेट करके देख लेंगे ओरिजिनल नंबर के सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो ट्रू आंसर होगा मेरा, अदरवाइज फॉल्स आंसर होगा। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक फंक्शन बना लिया है, वो सम ऑफ डिजिट्स का फंक्शन है। एक एन नंबर मुझे गिवन है, जब तक एन 0 ना हो जाए तब तक मैं इसके डिजिट्स को फाइंड करता रहूंगा और सम में ऐड करता रहूंगा। फाइनली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा है, लास्ट डिजिट का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और लास्ट डिजिट को सम में ऐड करते चले जा रहे हैं। इसके बाद प्राइम फैक्टर वाला हमारा फंक्शन है। प्राइम फैक्टर वाले फंक्शन में एक नंबर एन पास है, बस नंबर एन हमारा पास है, और इसका प्राइम फैक्टर को फाइंड करने के लिए मैंने एक आंसर नाम का वेक्टर ले लिया है जिसमें जितने भी मुझे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे मैं उसको पुश कराता रहूंगा। तो जब तक मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है तब तक मैं इसको लगातार 2 से डिवाइड करता रहूंगा और 2 को पुश बैक करता रहूंगा। इसमें फिर नंबर को मैं 2 से डिवाइड करके इसमें स्टोर भी करता रहूंगा। जब हमने सारे 2 के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए या 2 से डिविजिबिलिटी हमने टेस्ट कर लिया है तो उसके बाद अब हम 3 ऑनवर्ड्स डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। और डिविजिबिलिटी टेस्ट तभी तक होगा उस नंबर से होगा जिसमें आई स्क्वायर विल बी लेस देन एन। और इसमें इंक्रीमेंट 2 का इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऑड नंबर्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो 3 के बाद हम 5 को टेस्ट करेंगे, 5 के बाद 7 को टेस्ट करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। केवल ऑड नंबर्स ही मेरे अब प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाई आई है तो हम इसको पुश बैक करते रहेंगे, और जैसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम नेक्स्ट नंबर को पिक करेंगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। लास्ट में जैसे हमने 7 वाला एग्जाम्पल देखा था कि जो नंबर जो बच जाएगा अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो वो भी मेरा प्राइम नंबर होगा, उसको भी हम इंक्लूड करा देंगे, मतलब कि हम उसको पुश बैक कर देंगे। फाइनली इसके बाद जितने भी मुझे प्राइम प्राइम नंबर्स मुझे मिले हैं उन सबके डिजिट्स का मुझे सम करना है। तो जो सम ऑफ डिजिट्स का फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया था उसी में मैंने इसको पास कर दिया है, सारे के सारे जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे, और उसको एक सम में हमने ऐड करते रहे एस नाम के वेरिएबल में। एस को हमने 0 से इनिशियलाइज ऊपर कर रखा है, एंड देन हमने इस एस को रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जितने जो भी नंबर मेरा गिवन था उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स मैंने फाइंड किए उन सभी प्राइम फैक्टर्स के डिजिट्स का सम मेरे एस में है और इसको मैंने रिटर्न कर दिया। सॉल्व नाम का फंक्शन हमारे इस हैकरैंक में गिवन था, उसी को मुझे सॉल्व करना था, एन नंबर के लिए फाइंड करना था। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए एस और आर। एस का मतलब है कि वो फाइंड कर रहा है सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स या सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर, और आर फाइंड कर रहा है उनके डिजिट्स का, जो नंबर गिवन है उनके डिजिट्स का सम। तो अगर एस और आर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है और हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस इसमें पास हो गए। अभी रन किया था, अब सबमिट कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। इस प्रॉब्लम को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। दिस प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई स्मिथ नंबर, दिस इज द मैथमेटिक्स सेक्शन प्रॉब्लम ऑफ द हैकर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।